स्टडी मतलब गाइस, सबसे पहले समझते हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मीनिंग को, उसके बाद हम करेंगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन। और मीनिंग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। अभी हम एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं इनके मीनिंग का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा बस, यानी एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी और उसी से पूरी बात हमें समझ में आ जाएगी। आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, वी मस्ट ईट टू लिव। इसके अंदर ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट है वी, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। और एक मेन वर्ब हो गई हमारी ईट, और इसका मीनिंग क्या बना कि भाई हमें खाना चाहिए जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें खाना चाहिए। बात पूरी समझ में आ गई? आ गई। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कहलाते हैं सिंपल सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी दो अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को मैं लिख सकता हूं, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। राइटिंग मेरी बहुत बुरी है, आप समझ लेना, ठीक है? तो इसके अंदर ध्यान से देखो, दो सेंटेंस थे, वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए। एक और सेंटेंस है, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं अलग अलग भी बोलता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है, वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, अपने आप में पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल है। इसको देखो, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते, अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल है। तो इन दोनों सेंटेंस को जब हमने आपस में मिला दिया तो हमने कहा ये था हमारा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि अब हमें पूरी बात समझ में आ रही है एक साथ इनको पढ़ के। हाँ, समझ में आ रही है, कहने का मतलब यही तो है कि भाई हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वही बात तो हो गई कि भाई हमें खाना खाना चाहिए, और वी कैन नॉट लिव, हम जी नहीं सकते। ऊपर वाली ही बात तो यहां पर भी थी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी दो सेंटेंस होंगे, यानी दो क्लॉज होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि इनमें जो एक क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट होगा दूसरे के ऊपर। इसका क्या मतलब है, अभी समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इसे काट दिया मैंने, और फिर मैंने लिखा इफ, इफ वी ईट, आगे लिखा मैंने वी कैन लिव। अब इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना, भाई अगर हम खाते हैं तो हम जी सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जब मैंने एक ये सेंटेंस लिखा इफ वी ईट, कि अगर हम खाते हैं, एक और सेंटेंस लिखा वी कैन लिव, हम जिंदा रह सकते हैं। तो दो अलग अलग सेंटेंस थे, बिल्कुल थे। आपस में एक साथ लिखे गए एक सेंटेंस बनाया, हाँ बनाया। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको अलग से पढ़ता हूं, इफ वी ईट, अगर हम खाते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। बिल्कुल सही बात, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं था, ये डिपेंड है इसके ऊपर। जब ये इसके साथ मिलकर पढ़ा गया तब सामने वाले को पूरी बात समझ में आ गई। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, इन तीनों ही सेंटेंस का मीनिंग क्या अलग है? पढ़ना जरा मेरे साथ, वी मस्ट ईट टू लिव, कि हमें खाना खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, पहला था सिंपल। आगे बढ़ते हैं, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, कि हमें खाना खाना चाहिए वरना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये भी बात यही हुई। अब नीचे देखते हैं, इफ वी ईट वी कैन लिव, अगर हम खाते हैं तभी हम जी सकते हैं, इसका भी तो यही मीनिंग निकला। तो यानी तीनों का मीनिंग तो सेम ही था, फर्क तो कुछ नहीं था। बिल्कुल सही बात, इंग्लिश के अंदर आप अपनी बात तरह तरह से कह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से कहना चाहते हो। दोस्तों, यही होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ टॉक, कि आप कैसे अपनी बात को कह रहे हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इन सेंटेंसेस को आपस में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। जैसे मैंने जब यहाँ कंपाउंड बनाया तो और लगा दिया, जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो इफ लगा दिया, ये मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ आप एंड तक बंधे रहना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एग्जाम के अंदर आपका ये दिमाग खराब हो जाता है कि आपको ये कैसे करना है, बहुत मुश्किल लगता है, टेक्निकल लगता है, लेकिन बिलीव मी, ये बहुत आसान होता है अगर आप इसका जिस्ट समझ गए। तो सेंस के साथ हम इसको सीखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं।
साथियों मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नाम लिखा रवि, और मैंने आपसे भी कहा कि आप भी ये नाम लिखें, लेकिन याद रखना स्पेलिंग सेम लिखना, आर ए वी आई ही लिखना। तो जो मैंने यहां लिखा, जो आपने अपने पास लिखा, तो क्या वो दिखने में सेम है? हाँ, स्पेलिंग वाइज तो सेम होगा, लेकिन हमारी हैंडराइटिंग अलग अलग होगी। आपने जो हैंडराइटिंग सर यहाँ पर लिखी है, वो हैंडराइटिंग जरूरी नहीं है हमारी भी हो, वो अलग अलग होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। जब भी आप ट्रांसफॉर्म करो कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, तो जरूरी नहीं है कि जब ट्रांसफॉर्म करने के बाद आंसर आपका आएगा वो एग्जैक्टली सेम हो। नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको इसका टेक्निकल पॉइंट देखना है। टेक्निकल पॉइंट क्या होगा कि जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है, तो ये जरूर होना चाहिए। अगर आपने भी एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लिखा, मैंने भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट लिखा, तो मेरा आंसर करेक्ट होगा। हाँ, मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग भी ना बदले, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपाउंड में बदला, तो कंपाउंड का क्या रूल है कि भाई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, तो आपने भी दो लिखे, मैंने भी दो लिखे, मीनिंग मैंने बदला नहीं, मीनिंग भी मैंने सेम ही रखा, तो हमारा आंसर सही होगा। हो सकता है वो दिखने में एक दो वर्ड का डिफरेंस उसमें हो, तो ये बात दिमाग में रख लेना। डरने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्टली रटो कि भाई यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखना है हमें, हमें उसका टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान से देखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आई, अभी हमने मीनिंग समझे थे, जो टाइप ऑफ सेंटेंस थे, उसी के बेस पे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, DSSSB का था, उसके अंदर क्वेश्चन आ गया था। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि भाई व्हेनेवर इट रेन्स कॉमा आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स, और फिर चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पूछा गया था बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नन ऑफ द अबव। अब जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, तो व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, ये एक अपने आप में एक सेंटेंस था कि नहीं था? बिल्कुल। और उसके आगे दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया था, आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स, तो दो सेंटेंस थे। अब ये दो सेंटेंस भी कैसे थे कि पहला सेंटेंस जो था वो अपने आप में क्या कंप्लीट आइडिया दे रहा है, क्या पूरी बात बता रहा है? नहीं, व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, फिर आगे क्या, यानी ये डिपेंड है आगे वाली बात पर। जब तक आगे की बात आप मुझे नहीं बताओगे, तो मैं पूरी बात को समझ नहीं सकता। तो जब मैंने आगे वाली बात पढ़ी कि भाई मुझे ना तड़प महसूस होती है गरम 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 चाय की और पकौड़ों की, तब मुझे समझ में क्या कहना चाह रहा है। तो यानी एक यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, जिनसे मिलकर एक पूरा सेंटेंस बना था। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के केस में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं थी, आप कॉम्प्लेक्स आंसर इसका लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक, अब इसका आंसर बताओ। उसके अंदर भी एंड के बाद फेल्ट नॉस्टैल्जिक है, यानी दो सेंटेंस को आपस में मिला रखा है। जब दो अलग अलग सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिल जाते हैं, तो वो होता है हमारा कंपाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड। तो कितने आसानी से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना। अब ऐसे ही ट्रांसफॉर्म भी आप बड़े आसानी से करोगे। आइए बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म करने का तरीके को सीखते हैं। तो जब भी आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना हो, कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा, यानी एक दूसरे पे निर्भर होगा। तो ये हमारे को सिचुएशन याद रखनी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक को डिपेंडेंट बनाना है जरूर, ठीक है। आइए तो क्या करेंगे, हमें उसमें क्या यूज करना है, हमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं इन्हें, इनका इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है कि उन दो सेंटेंस में से ना, जो कंपाउंड वाले होंगे, दो सेंटेंस से बना हुआ होता है, तो उन दो सेंटेंस में से किसी भी एक सेंटेंस के अंदर ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, ताकि वो डिपेंडेंट बन जाए, ऐसा करना है। आइए एग्जांपल की मदद से करते हैं। रवि भाई साहब जरा आप र बोलो। यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब डियर सर, और फिर मैंने लिखा एंड लगा दिया, एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, ये मैंने लिखा। अब ध्यान से देखो, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? बिल्कुल, सब्सक्राइब डियर सर, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। दूसरा था यू विल क्रैक द एग्जाम, ये अपने आप में एक सेंटेंस था, ये कंपाउंड था। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ देखता हूँ। अगर मैं यहां लगा दूं इफ, सब्सक्राइब से पहले लगा दूं इफ, इफ यू सब्सक्राइब डियर सर,
अब इतना बनाते ही, जैसे ही मैंने इतना बोला, इफ यू सब्सक्राइब डियर सर, अब क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ इतना बोलूं मैं कि अगर आप डियर सर को सब्सक्राइब करते हो, इतनी बात से क्या कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया, जब तक के आगे की बात नहीं कही गई, आगे का सेंटेंस नहीं कहा गया। तो यानी अब ये जो सेंटेंस था ना, इतना, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया डिपेंडेंट। क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। और अब मेरी कंडीशन पूरी हो गई। कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एक डिपेंडेंट चाहिए होता है, एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, वही मैंने कर दिया। क्या मीनिंग बदला? नहीं। पढ़ते हैं ना इसको, कि अगर आप डियर सर को सब्सक्राइब करते हो, एंड हटाओ, यू विल क्रैक द एग्जाम। कि आप क्या करोगे? एग्जाम को क्रैक कर लोगे। और पहले क्या था? पहले क्या था? जल्दी देखो, पहले क्या था? सब्सक्राइब डियर सर को सब्सक्राइब करो और एग्जाम को क्रैक कर लो। यही तो था, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस बोलने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। वो क्यों कर दिया? अभी मुझसे कहा गया था कॉम्प्लेक्स बना दो इसको, तो इन सबऑर्डिनेटिंग कंजेशन की मदद से आप इसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अभी तो मैंने छोटा सा हल्का सा एक एग्जांपल दिया था, अब और मजेदार तरीके बताता हूं, बहुत आसानी से करोगे। आओ करते हैं उन्हें भी। दोस्तों अब आप भी मेरे साथ इंग्लिश के साथ खेलना सीखिए। तो पहला सेंटेंस है हमारा, डू योर बेस्ट, यू विल नेवर रिग्रेट। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स के अंदर। अच्छा, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर लें, आओ करते हैं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, पूरी बात है, बिल्कुल है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। दूसरा था यू विल नेवर रिग्रेट, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, ये अपने आप में एक अलग पूरा सेंटेंस था, पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इन दो क्लॉज से मिलकर पूरा एक सेंटेंस बनाया गया है। अब मुझे क्या करना है? कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स में बदलते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है याद, कि मीनिंग जो है इस पूरे सेंटेंस का, वो चेंज ना होने पाए। कहना क्या चाह रहा है भाई? अपना बेस्ट दो, आपको कभी पछतावा नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। इसी को बदलना है कॉम्प्लेक्स में। आओ बदलते हैं। मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस लिखवाए थे ना, जिसकी मदद से इसको बदल सकते थे, तो उसका इस्तेमाल यहां पे करना। आओ करते हैं। इसको मैंने बनाया बाय डूइंग Your best, you will never regret. अरे ये तो बड़े आसानी से बन गया, ये कैसे हो गया? ये तो बड़े आसानी से बन गया कि अपना बेस्ट करके आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। अच्छा, इसको और भी तरीके से बदल सकते हैं। हाँ, यहां लगा दो if, यहां do के पहले क्या लगा दो? if, और आगे लिख दो if you do your best. If you do your best, अगर आप अपना best करते हो तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा, कोई regret नहीं होगा। तो मैंने दो तरह से बनाया। अब क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो meaning था वो तो बदला नहीं, और हमने एक dependent clause बना दिया और दूसरा independent clause ही रखा। If लगा के या by doing करके मैंने इसको dependent बना दिया, क्योंकि इतने का तो कोई मतलब बना ही नहीं, by doing your best तो कुछ बना ही नहीं, पूरी बात ही नहीं हुई। तो देखा कि If लगाओ, by doing लगाओ, या because लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, बस complex में बदलना है, बात खत्म। Next देखते हैं क्या? She aimed to win the prize and worked hard. उसने क्या prize जीतने की तरफ उसने aim किया, निशाना साधा, and worked hard, और मेहनत करी। अब इसको बदलता हूं मैं, इसको मैंने बदला she worked hard so that she might win the prize. इसमें भी मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके अंदर एक को डिपेंडेंट बना दिया, सो दैट लगा के मैंने डिपेंडेंट बना दिया इसके, कि भाई उसने मेहनत करी ताकि वो प्राइज को जीत सके। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब लास्ट वाला है ही डिड दिस एंड गॉट पनिश्ड, बहुत मजेदार है। इसमें भी क्या करूंगा मैं, कि भाई उसने ये किया, ये है उसने किया और उसको इसके लिए सजा दी गई, सजा मिली। बनाओ ही गॉट पनिश्ड। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, मैंने आगे लगा दिया because he did this, तो वो कितने आसानी से बना दिए, बहुत मजेदार होते हैं ये तो। इनमें कुछ करना नहीं होता, इसमें कुछ करना नहीं होता, वो बात को घुमा फिरा के कहना होता है, और वो ही हम यहां पर कर रहे हैं। तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स तो बना दिया, अब कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनाओगे? बिल्कुल रिवर्स करना है रूल, छोटी छोटी बातें वो देख लेते। कॉम्पाउंड को कॉम्प्लेक्स में तो बदल दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे बदलोगे, अब ये बताओ। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दो। ये तो इसी तरह हुआ कि सांप का जहर निकाल के फेंक दो, जो वर्ड उसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो वर्ड आप वहां से हटा दो, वो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आइए बनाइए मेरे साथ। पहला सेंटेंस है मेरा, वी कैन प्रूव दैट ही इज द बेस्ट, कि हम प्रूव कर सकते हैं कि वह बेस्ट है। इसके अंदर भी दो क्लॉज थे, वी कैन प्रूव एक था,
दैट ही इज द बेस्ट एक था, ये वाला जो हमारा सेंटेंस था ये इस पे डिपेंड था, तभी हमें पूरी बात समझ में आ रही थी। ये था पूरा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, बड़ा प्यारा सा बना हुआ रखा था। अब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बनाते हैं इसको। इसमें दैट हटा दूं, दैट हटते ही ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, करते हैं ना। तो मैं बना देता हूं इसको, ही इज द बेस्ट, वह बेस्ट है, फुल स्टॉप लगाया और फिर लिखा वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव। अब इसको पढ़ो, क्या बनाइए, वह बेस्ट है, हम प्रूव कर सकते हैं। वही तो बात हुई, पहले भी वही बात हो रही थी, बन गया आपका ये कंपाउंड सेंटेंस, बड़े आसानी से बन गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं दैट लगा दूं, वी कैन प्रूव दैट, अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि ही इज द बेस्ट, वे बेस्ट है और हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब अच्छे से समझ में आया सर, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये नहीं हो सकता, दैट यहां पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये इसलिए नहीं आ सकता कि अगर यहां आप दैट लगा दोगे तो ये दोबारा से एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि फिर वी कैन प्रूव दैट अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, इसलिए। तो फिर तो वही बात हो गई, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसलिए यहां दैट नहीं आएगा, बिना दैट के ही रहेगा। समझ में आई ना बात? आगे बढ़ते हैं। पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट। अब पुटिंग हिज हैट ऑन अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं है, ध्यान से पढ़ते हैं, अपने आप में कोई कंपाउंड थोड़ी है ये कि भाई पूरा मीनिंग दे रहा है। इसमें ये है कि अपना हैट ओढ़ कर, इतनी बात थी, समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज था, इंडिपेंडेंट नहीं था। आगे ये क्या था, ही वेंट आउट, वह चला गया, ये समझ में आ रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी टोटल ये यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इसको कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड कैसे बनाओगे, ही पुट हिज हैट ऑन एंड went out। अरे अरे सर, इतनी आसानी से बन गया, अरे हाँ इतनी आसानी से बन गया। अच्छा यहाँ एंड लगा दिया मैंने, अच्छा ऊपर वाले में तो एंड नहीं लगाया था, जबरदस्ती नहीं है। जहां एंड लगकर मीनिंग अच्छे से समझ में आए, एंड लगा दो। जहां एंड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस आप फ्रेम कर पा रहे हो तो नॉर्मल रखो, लेकिन हेल्प के लिए आपके एंड, बट और फॉर, ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको मैं ये एक शस्त्र दे रहा हूं, वेपन दे रहा हूं आपको। तो अब इसको पढ़ो, he put his hat on, उसने अपनी टोपी लगाई और क्या कर दिया, and went out, और चला गया। तो वही मीनिंग ऊपर था, वही नीचे था, लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, इफ यू गिव मी द बुक आई विल रीड इट। अब इसके अंदर तो इफ का तो बहुत इस्तेमाल, इफ बड़ा शरारती है, इफ ने वहां भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हमारी मदद की थी, आप भी इसकी यूज बहुत करोगे। इफ उसका इस्तेमाल बहुत करना कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है फिर। अगर आप मुझे बुक देते हो ना, आई विल रीड इट, मैं इसे पढ़ूंगा, इसको बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, ये होमवर्क लो। बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है ये वाला सेंटेंस, ये आप होमवर्क में रखो, कमेंट करके मुझे बताना, मैं चेक करूंगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हमारे कौन से सिंपल सेंटेंसेस। साथियों बात करते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने की, यानी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सिंपल बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे। सिंपल को बनाने का तरीका ही सिंपल है, यानी आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों के अंदर ही दो दो सेंटेंसेस होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल, सेंटेंसेस मैं आपके लिए कह रहा हूं, वैसे तो उन्हें क्लॉज बोलते हैं, होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सिंपल में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यही होता है ना। तो आपको क्या करना है, ये दो थे, इन दो को किसी भी तरह एक बना देना है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देना है, जिससे पूरी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। ये आपको करना, यानी फुल आजादी है, इसमें कुछ भी लेस करो, कुछ भी ऐड करो, आपके ऊपर डिपेंड है। बस एक सिंगल सब्जेक्ट होगा और एक ही मेन वर्ब होगी, एक ही प्रेडिकेट होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं ना। आइए, आपके सामने एक कंपाउंड सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, बट ही डज नॉट कंप्लेन, वो शिकायत नहीं करता है, ये मेरा हाल है। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे। आप इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, के बावजूद, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन स्पाइट ऑफ का सिंपल बनाते वक्त, तो एग्जाम में कहीं फंस जाए और इन स्पाइट ऑफ से बने तो बना देना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, और आगे क्या लिख सकते हो, ही डज नॉट कंप्लेन। अरे सर, इसमें भी तो दो सेंटेंस हो गए, इन स्पाइट ऑफ भी तो एक सेंटेंस है। अरे बाबू, ये सेंटेंस नहीं, ये कंडीशन है, सिचुएशन है, इसके अंदर सब्जेक्ट तो ही है बस,
समझ में आई पूरी बात? बिल्कुल। तो घबराना नहीं कि लंबा लंबा सेंटेंस हो गया तो जरूर ये तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा, तुक्का नहीं मारेंगे, टेक्निकल बनेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम। अब ये बहुत लंबा चौड़ा था, उसने कन्फेस किया, ये तो अपने आप में एक था। दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ द क्राइम, के वह क्राइम का गिल्टी है, जो जुर्म किया है उसका गिल्टी वह है। ठीक है, अब इसको सिंपल कैसे बना सकते हो? कहना तो ये यही चाह रहा है ना कि उसने क्राइम को कन्फेस किया, ये तो कहना चाह रहा है। बना दो तो मैं सिंपल क्या बोल दूंगा इसका आंसर, ही कन्फेस्ड द क्राइम, बस इतना रख दो। अब इस बात पे आप लड़ ही नहीं सकते कि इसको लंबा क्यों नहीं खींचा, क्यों खींचूंगा लंबा, कहने की बात तो मेरी यहीं पर पूरी हो गई ना कि ही कन्फेस द क्राइम, उसने अपना जुर्म कबूल किया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आइए। आई सॉ अ डॉग दैट वाज वाउंडेड। मैं नहीं बनाऊंगा इसका, इसका आप बनाओगे, होमवर्क है आपका, आप इस पर कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताओगे। दो होमवर्क दिए थे अभी, एक पीछे दिया था, एक अब दिया है, दोनों आहो का होमवर्क का आंसर मुझे चाहिए, बिल्कुल सही से चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो तरीका था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का, लेकिन सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट बना के आपके लिए लेके आऊं, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दें लाइक कर करके, और कमेंट में बताएं कि आपको सेकेंड पार्ट चाहिए कि नहीं। जो आपको होमवर्क दिया उसका आंसर भी कमेंट में लिख के आए। और एक बात है कि अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज डियर सर को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहां हम आपको क्वेरी बताएंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वेबसाइट पे विजिट करें। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।